खबर निवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर में शातिर वाहन चोरों को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल कर उसके पास से बाइक तमंचा और 315 बोर का बाइक तमंचा बरामद किया गया है। जानसठ के खतौली मार्ग से बसाया जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने जिला मेरठ के ब्रह्मपुरी गली नंबर 4 शास्त्री कोठी निवासी रवि पुत्र राजेंद्र को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर वाहन चोर को गत रात्रि पुलिस मुठभेड़ में घायल कर उसके पास एक बाइक तमंचा और जिंदा कारतूस पे खोखा कारतूस बरामद करने के दावा किया है। पुलिस इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह ने बताया कि अभियुक्त रवि शातिर किस्म का वाहन चोर है, जिसके ऊपर जनपद मेरठ मुजफ्फरनगर के अलावा विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगभग एक दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत है। भारतीय उपाध्याय समाज जिला मुजफ्फरनगर की कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र उपाध्याय के निवास स्थान जानसठ में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेश उपाध्याय ने और संचालन जिला महामंत्री विजेंद्र उपाध्याय ने किया। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय ने कहा कि समाज में बहुत ही कुरूतियां फैल रही हैं। समाज के लोग बच्चों की शादी करने में जल्दी ना करें। प्रधान नवीन कुमार उपाध्याय खतौली ने कहा कि वैदिक उपाध्याय आश्रम शुक्रताल में पिछले कई वर्षों से कार्यकारिणी का चयन अथवा चुनाव नहीं हुआ है, जो किया जाना अति आवश्यक है। आगामी ज्येष्ठ दशहरा पर्व पर आश्रम में चुनाव कराया जाएगा, जिसमें समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग ज्येष्ठ दशहरा पर्व पर जाएंगे और चुनाव में भाग लेंगे। और आज की बैठक का विशेष मुद्दा कि समाज में काफी कुरूतियां फैल रही हैं, जिसमें लड़के लड़की की शादी होती है और 6 महीने चल नहीं पाती है, तुरंत विवाद की स्थिति बन जाती है। इसलिए हम सब लोगों को यह करना चाहिए कि ब्याह शादी में जल्दी नहीं करनी चाहिए, सभी से पूछ करके आपस में इंक्वायरी करके तब इस काम करना चाहिए, अन्यथा विवाद की स्थिति बनती रहेगी। शुक्रताल आश्रम, जिस पर ज्येष्ठ दशहरा में पर्व का मनाया जाता है, इस पर हम लोग पहुँचते हैं और संस्था की कार्यवाही, रख रखाव तथा अन्य समाज सुधार के संबंध में वार्ता होती है। शुक्रताल आश्रम श्रम समाज का है, इसलिए सभी लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अधिक से अधिक संख्या में शुक्रताल पर्व ज्येष्ठ दशहरे पर पहुंचे और अपनी एकता का परिचय दें। धन्यवाद। चांदसर कस्बे में महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से एंटी डोमियो टीम लगातार कस्बे के बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों के आसपास मिशन शक्ति फेज 4 अभियान के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक कर रही है। शनिवार को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत चांदसर थाने की महिला कांस्टेबल सुनीता व कांस्टेबल ब्रजपाल कस्बे में स्कूल के समय से लगातार भ्रमण कर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप महिलाओं व बालिका को साथ साथ स्कूल की छात्राओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं, हेल्पलाइन नंबरों सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर व वांछित धरपकड़ अभियान के तहत खतौली तिराहे जानसर से पुलिस ने जनपद बिजनौर के अब्दुलपुरा हादरपुर थाना शहर कोतवाली निवासी निगम सिंह पुत्र स्वर्गीय रूपचंद, जो कि एक मामले में वांछित चल रहा था, उसे मुखबिर की सूचना पर अब गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र के गांव सोहजनी निवासी कपिल उर्फ बंटी पुत्र हरेंद्र सिंह को पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर सोहजनी भट्टे के पास से गिरफ्तार कर लिया।